11 से 19 तक के किसी भी नंबर का अगर क्यूब निकालना हो तो उसकी ट्रिक क्या होगी, विद इन सेकेंड हम उसको फाइंड कर सकते हैं। देखते हैं यहाँ पे 11 से 19 तक का क्यूब निकालने के लिए हमें 1 से 9 तक का क्यूब पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम 1 से 9 तक का क्यूब लिख लेते हैं। 1 का क्यूब हो जाएगा 1 और 2 का क्यूब कितना होता है 8 हो जाता है। यहाँ पे 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27 होगा और 4 का क्यूब कितना होगा यहाँ पे 64 होगा। 5 का क्यूब कितना होगा 125 होता है और 6 का क्यूब कितना होता है 216 होता है और 7 का क्यूब कितना होता है 343 होता है और 8 का क्यूब कितना होगा यहाँ पे 512 होता है और 9 का क्यूब कितना होता है यहाँ पे 729 होता है। अब सबसे पहले यहाँ पे हम 12 का क्यूब निकालते हैं। तो 12 का क्यूब कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हमें 12 का 12 ही लिख लेना है। फिर हमें क्या करना है, इस 2 का स्क्वायर करना है। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और 2 का ही क्यूब करके इधर लिखना है। 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8, मतलब एक बार इसका स्क्वायर करना है और एक बार इसका क्यूब। अब क्या करना है, जो बीच वाले नंबर है इनको डबल करना है। तो 4 का डबल कितना हो जाएगा 8 और यहाँ 2 का डबल कितना हो जाएगा 4। अब इन्हें क्या करना है, प्लस कर लेना है। तो 8 का ये वाला 8 आ जाएगा, 4 और 8 12 हो जाएगा, तो 12 का 2 हासिल 1 लग जाएगा। यहाँ पे 2 और 1 3 और 4 कितना हो जाएगा 7 और 1 का ये वाला 1 आ जाएगा, तो ये हमारा क्यूब यहाँ पे 12 का आ जाएगा। अब यहाँ पे 14 का क्यूब देख लेते हैं एक बार। 14 का क्यूब कैसे निकालेंगे, सेम वैसे ही निकालेंगे। सबसे पहले यहाँ पे 14 हमने लिख लिया, अब 4 का ही स्क्वायर करना है यहाँ पे। तो 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 और 4 का ही यहाँ पे क्यूब करके लिख लेना है। तो 4 का क्यूब कितना होता है 64 होता है। अब क्या करना है, इन नंबरों को प्लस कर देना है। तो यहाँ 64 का 64 नहीं आएगा, 64 का 4 आएगा यहाँ पे, हासिल यहाँ पे 6 लग जाएगा। 32 में 16 ऐड करेंगे 48 हो जाएगा, 48 और 6 54 हो जाएगा, हासिल 5 लग जाएगा यहाँ पे। 5 और 4 9 और 8 कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, हासिल यहाँ पे 1 लग जाएगा, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा 2। तो इस तरीके से हम इसे फाइंड कर सकते हैं।